आए प्रधान जी, पधारे। हम लोग बहुत मेहनत किया है आपको जिताने में, आप भारी बहुमत से जीते हैं। अगला प्रधान आपके सामने पछाड़ खा गया, अब ये लोग कहे कौन खा गया पछाड़ खा गया, पहले प्रधान पछाड़ खा गया कठाल खा गया तो पहला प्रधान चुन लिया खाम खाम यार। ये लोग हमसे बोले कि तुम प्रधान जी खास आदमी हो, चलो कुछ वहाँ मतलब घास खाते हैं भूसा दिमाग खराब बैठ भी है प्रधान जी क्या है? अरे कुछ व्यवस्था है, वो तो है प्रधानी की जीत के खुशी में हो जाए। नाच गाने सुन पाते हैं स्लीपर है? प्रधान कुछ नहीं प्रधान क्या कह रहे कुछ नहीं कह रहे। अरे वो बहिरा तेरी आज तुम बैठो, हम तो खड़े खड़े काम चला लेंगे, आप बैठिए आपको बुढ़ापा है या जाओगे कभी यहाँ से क्या खाओगे आप बैठिए। अच्छा बैठे 5 साल में गए प्रधान जी काले कमांडो वो जो नाचने वाली है उसको ला पकड़ के, ये काला कमांडो है अबे तू तो ऐसे पकड़ के ला रहा है जैसे गौना करा के आ रहा है स्टेशन से बुलाया भीख मांगने वाली है का? यही तो कह रहे आदाब, अरे वो कह रहे आदाब जी मैं तो प्रधान जी से कह रही थी ना आदाब, ये इस काबिल नहीं किताब है। क्या कहा आपने जी? मैंने कहा आदाब 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 आदाब। आप 3 बार करते हैं क्या कर रहा है हराम से? हाँ क्या हराम से महिला की मौत। हाँ बैठ जाए सांस उखड़ जाए खाम खामे जी फरमाया है घर में नहीं आया है अभी जी मैंने कहा फरमाया है फड़वाया है कपड़ा कपड़ा फड़वाया तुमने हमारे रहते हो कौन कपड़ा फोड़ सकता तुम्हारा? आप सब तो बहुत ही बदतमीज इंसान लग रहे हैं। ये पैदा ऐसी है जी मैंने कहा मैंने फरमाया है फरमाया है मैं कुछ कहना चाह रही हूँ ये कुर्ता है छोटू बैठ जाओ मैं तुमको गोली देनी पड़ेगी इनसे कहो कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ मेरा केला चाह रही है जी मैंने कहा कि बेमतलब और बेरस्ती जुबान को शायराना कर जाऊंगी सुभान कुल्ला सुभान कुल्ला सुभान कुल्ला बेमतलब और बेरस्ती जुबान को शायराना कर जाऊंगी मैं वो कशिश हूँ जो आपको अपना दीवाना कर जाऊंगी सुभान कुल्ला सुभान कुल्ला आपने शेर कहा कोई जी एक शेर मेरा भी सुन लीजिए सुना दीजिए किसी भी राशि से पैदा होगा लक्ष्मण आए थे मेरी कब्र पर वाह 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 भाई मिर्जा गालिब की औलाद क्या इसके बाद सोना था आपको आए थे मेरी कब्र पर ये अंदाजे भैया है दिया जलाने वाह वाह सिगरेट जला के चल दिए आगे बाबा जो चिराग में तेल था लगा के चल बाबा तो कहो बाबा बाबा आए थे मेरी कब्र पर जी जी दिया जलाने सिगरेट जला के चल दिए जी वाह क्या बात है जितना दिए में तेल था सर में लगा के चल दिए वाह बेटा तेली की औलाद बैठ जा जी अब आप कुछ कहेंगे जी नहीं हमारी औकात नहीं है जी आप क्योंकि ये तेल लगा के चले गए तो बचेगा वहाँ इनके तो थोड़े ही बचे हैं तो फिर मैं कहूँ कुछ सुना दूँ जो बीच बजरिया
जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबको बोल दूंगी जब रात माँ कोई ना जागे अयो सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबको बोल दूंगी।
जितना शिला जीत शिला जितना शिला जीत शिला जीत जापानी तेल लगा जापानी तेल लगा बलान गए बोल दूंगी मैं खिड़की खोल शमशान घाट पे दशमन लकड़ियां इकट्ठा कराओ प्रधान की अंतिम यात्रा की तैयारी कराओ प्रधान जी अच्छा प्रधान चुने भाई बाल्टी ले आ बाल्टी बैठो कीटाणु काहे फैला रहे हो ऐसे दिल्ली में प्रदूषण फैला हुआ है प्रधान जी क्या बात है तुम तो इतने मस्त हो गए कि हम लोग की फरियाद भी नहीं सुन रहे हो हम लोग फरियाद लेके आए हैं अरे फरियाद लेके हम लोग आए भाई क्या फरियाद है अरे बोलो प्रधान जी हमारे में ये तय हुआ था हम लोग में तय हुआ था क्या? कि हम जो बात कहेंगे अगर तुम लोगों ने कह दिया झूठ है तो 500 रुपया देना पड़ेगा ये बात तो क्या बात हुई थी अब इन लोगों ने कहा बताओ क्या कहा बताओ तुमने क्या कहा हमने अब इन्होंने जब कहा 500 रुपया देना इधर आके बोलो इधर बोलो तो प्रधान जी हमने कहा आप हमारे बाप को जानते हो इन्होंने कहा जानते हैं सांप को बाप को बस समझाओ भैया सांप नहीं बाप बाप सांप नहीं सपेरा सपेरा बाप बाप अच्छा अच्छा बाप को जानते हो कहना हाँ मैंने मेरे बाप के पास इतना बड़ा अस्तबल था इतना बड़ा अस्तबल कम से कम 2 करोड़ उसमें घोड़े थे और पिताजी जब हमारे हाथ फेरना शुरू करते थे तो रात के ही लौटते थे इतना भारी अस्तबल हम लोगों ने कहा सच है सच है हमने कहा सच है सच है कौन कहा सच है हमने कहा सच है हटो अब इनसे पूछो तुमने क्या कहा हमने ये कहा था इधर आओ कि हमारे पापा गरीबों के बहुत बड़े मसीहा है जब हमारे यहाँ सूखा पड़ता है तब हमारे बाप के पास एक लंबा बांस था वो बादल में खोस देते बांस पानी बरसता है जमीन जलमग्न हो जाती है और वो बांस जो है निकाल लेते हैं बरसात बंद तभी के लिए हम लोगों ने कहा सच है सच है सच है सच है सच है, सच है। अब हमने क्या कहा तुमने क्या कहा तो इन लोगों ने क्या जवाब दिया उसी बात का तो मामला फंसा हुआ है हमारे बाप बहुत गरीब हमारे बाबा गरीब हम गरीब पूरा खानदान गरीब लेकिन खेती थी थोड़ी सी सावन का महीना था बारिश होने की संभावना थी हमारे बाप खेत जोते आए सुबह मक्का बोनी थी हल बैल लेके पहुँच गए मक्का लेके पहुँच गए भगवान की कृपा ऐसी बारिश हुई कि गांठी से पानी भरा खेत में बुआई काहे में वो हमारे बाप को तरकीब सूझी क्योंकि हम लोग जुगाड़ू आदमी हैं बाप ने एक तसला मट्टी निकाली झुआ भर मट्टी निकाली और बैल की पीठ पर रख दिया अच्छा गीली गीली मट्टी 4-5 मक्के के दाने बो दिए बस थोड़े दिन बाद फसल तैयार हो गई जब फसल तैयार हुई प्रधान जी इतना मक्का पैदा हुआ कि 50 क्विंटल इसके बाप को दिया 50 क्विंटल इसके बाप को दिया अब हमारा टाइम है खराब हम कह रहे हमारे मक्का वापस करो ये बिल्कुल झूठ है ये तो झूठ है प्रधान जी कुछ नहीं दिया ये झूठ है ये झूठ है ये झूठ है झूठ है 500 आप भी लाओ तुम अपने आप को बहुत चालाक बनते हो बहुत सियाने बनते हो एक बात का हमारे जवाब दो तुम बोलो और अगर जवाब नहीं दिया तो 500 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे हाँ तुम देंगे 1500 जीती जाए 500 वापस करने का दिक्कत और अगर दे दिया हाँ तो फिर 500 रुपये हम देंगे 500 तुम पे चढ़ ही गए हैं 500 अब इसी बात से चढ़ेंगे हमारे बाप मर जाएगा क्या कहा कुछ नहीं आपके बाप तू चुप रहे हमारे बाप का नाम लेते हैं ठीक हमारे बाप हाँ। हमारे पापा पापा हमारे फादर हमारे पिताजी कई नस्ल के देगा तुम्हारे बाप हमारे अब्बा मतलब सारी नस्लें तुम्हारे बाप में अंदर है कई कीटाणु थे उसके अंदर यानी कि हमारे डैडी अंग्रेज भी थे उसमें प्रधान जी और कुछ तू चुप रहे हम बात कर रहे हैं हमारे पा पा और हमारे पी 4 मीनार पर चढ़ गए कई कौन से पैदा थे ना 4 मीनार चढ़ गए होंगे क्या कह रहा है
आपके डैडी, आप बोलो। हम तुम दोनों को बहुत मारेंगे और मारते मारते थक जाएंगे, सो जाएंगे और फिर उठेंगे तो फिर मारेंगे। आगे बोलिए, जब मारने काबिल बचोगे तब ना आगे बोलिए। आगे बोलिए। हमारे पापा चार मीनार पर चढ़ गए, बहुत ऊपर चढ़ गए, चार मीनार पे चढ़ गए, चार मीनार, पांच मीनार से पैदा से चार पे चढ़ गए, नौ हो गए। पहले पूरी बात सुन। हाँ, चार मीनार पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने छलांग लगाई। छह महीने हो गए अभी तक जमीन पे नहीं। छह महीने से मेरे बाप चार मीनार के नीचे खड़े हुए हैं, छह महीने से मेरे बाप चार मीनार के नीचे खड़े हुए हैं उनको कैच करने के लिए। अब ये झूठ है तो 500 लाओ। प्रधान जी, आपके क्रियाक्रम का व्यवस्था 500 मेरे पास है, हम करवा देंगे, ले चलो इनको। आए 500, आए 500, आए 500, आए 500। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इनको ले चलो, इनकी किडनी निकलवाओ।